तो मार्वल सिनेमैटिक्स में ऐसे कई सारे सुपर हीरोज हैं जो लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना घर चलाने के लिए नॉर्मल डेली जॉब्स को करना पड़ता है। बेशक ही कई सारे सुपर हीरोज बहुत ज्यादा अमीर हैं, जैसे कि कोई किसी देश का राजा है तो कोई खानदानी अमीर है, जिस वजह से उन्हें न ही अपने घर चलाने में कोई दिक्कत होती है और न ही अपने पावर्स को लेवल अप करने में जो खर्च आता है उसे कवर अप करने में कोई दिक्कत होती है। पर इन्हीं सब के बीच बहुत सारे सुपर हीरोज ऐसे हैं जो दुनिया को बचाने के साथ साथ डेली जॉब्स को भी करते हैं और उसी से अपने घर को मेंटेन भी करते हैं। और इसलिए आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक्स के कुछ ऐसे सुपर हीरोज के बारे में जो सुपर हीरो होने के बाद भी डेली जॉब से अपने फैमिली का खर्च निकालते हैं। वैसे तो एमसीयू में लगभग सारे सुपर हीरोज कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन हम ये लिस्ट आज के सुपर हीरोज को ध्यान में रखकर बनाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम सबका स्वागत है मैजिक वर्स के अनदर वीडियो में। मेरा नाम है जय। यदि तुम सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। कैरल डैनवर्स। कैरल डैनवर्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स में से एक होने के बाद भी एक हाई रैंक ऑफिसर है यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स में। कैरल और उसकी फ्रेंड मारिया रैम्बो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पायलट्स थे, लेकिन कई सारे रूल्स और रिस्ट्रिक्शन के चलते उन दोनों को कई सारे इंटेंस कॉम्बैट में फाइटर जेट को उड़ाने नहीं दिया जाता था। पर एक बार प्रोजेक्ट पेगासस में कैरल को टेस्ट पायलट के तौर पर एक मौका मिला, जिस दौरान एक्सीडेंटली कैरल डैनवर्स कैप्टन मार्वल बनी। कैप्टन मार्वल का ये टैलेंट उनके बहुत काम भी आया, जो आगे चलकर एवेंजर्स के बहुत ज्यादा काम आया। एंटमैन। एंटमैन यानी स्कॉट लैंग एक स्किल्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो अपने कॉलेज के टॉपर्स में से एक था। स्कॉट लैंग अपने स्किल और जीनियस माइंड का यूज करके वहाँ चोरी करता था जो खुद चोर थे, और चुराए हुए सामान को उसके असली मालिक के पास पहुँचा देता था, जिस वजह से स्कॉट को कई बार जेल भी हुई और उसी वजह से उसे अपने जॉब से हाथ भी धोना पड़ता था। स्कॉट की एक बेटी भी थी जिसके लिए वो अलग अलग जगहों पर जॉब ट्राई भी करता था, लेकिन पास्ट रिकॉर्ड अच्छा न होने की वजह से उसे कोई भी जॉब नहीं देना चाहता था। लेकिन उसका टैलेंट और मैकेनिकल स्किल हैंक पिम को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और हैंक स्कॉट को जॉब पर रखकर उससे वही करवाते हैं जिसमें वो एक्सपर्ट था। डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज एक डॉक्टर थे जो स्पेशल थे न्यूरोसर्जनिस्ट में। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी चीज को एक बार देख लेते तो वो उनके दिमाग में छप जाती थी, जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज कई चीजों में भी एक्सपर्ट थे। डॉक्टर स्ट्रेंज के इसी गॉड गिफ्टेड एबिलिटी की वजह से वो MD और PhD एक साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से क्लियर कर पाए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने काम में इतने ज्यादा एक्सपर्ट थे कि एक पेशेंट को जिसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, सिर्फ उसके एक्सरे को देखकर उन्होंने बता दिया कि अब भी इसकी जान बचाई जा सकती है, और उन्होंने उसे बचा भी लिया। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी लाइफ से खुश थे, लेकिन जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो चीजें बदल गईं। एक्सीडेंट के आफ्टर इफेक्ट से जो डैमेज हुआ था वो तो ठीक हो गया, लेकिन उनके हाथ ठीक नहीं हो पाए। फिर वो कुछ रिसर्च के बाद कामरताज गए और कई मुश्किल झेलने के बाद वो सबसे ग्रेट सॉर्सरर बने। सेंची। सेंची के पावर्स को हम थोड़ी देर के लिए साइड में कर दें तो उसकी जो बैक स्टोरी हमें दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की फिल्मों की याद दिला गया। सेंची के फादर के कई दुश्मन थे। एक दिन वो कहीं चले गए, कुछ गुंडों ने उनके घर पर हमला कर दिया, उस चक्कर में उनके वाइफ की मौत हो गई। फिर सेंची खुद को ट्रेन करने लगा ताकि वो अपनी मदर की डेथ का बदला ले सके। वो बदला ले भी लेता है, लेकिन अपने फादर के बुरे कामों को छोड़कर सेंची घर छोड़कर भाग जाता है, किसी दूसरे देश में एक नई जिंदगी शुरू करता है, जहाँ सेंची एक होटल में कार पार्किंग करने का जॉब करता था। मूवी में सेंची के ऊपर कई मुसीबत आते हैं, लेकिन उन सबको सॉल्व करके अपना हीरो फिर से डेली जॉब्स में लग जाता है। डेयर डेविल। डेयर डेविल इज माई फेवरेट कैरेक्टर आफ्टर आयरन मैन। वो एक गजब का अटर्नी है। डेयर डेविल यानी मैट मर्डॉक काफी ज्यादा टैलेंटेड कैरेक्टर है, जो हमेशा सच का साथ देता है और बुराई के खिलाफ लड़ता है। डेयर डेविल की पावर्स कमाल की हैं। उसका सेंसरी स्किल किसी बैट से भी ज्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से उसके डेली जॉब्स में ये पावर्स उसके बहुत ज्यादा काम आती हैं। वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसे सब कुछ दिखता है। वो किसी भी इंसान की धड़कनों को सुनकर बता सकता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ, और यही कारण है कि वो लगभग हर केस जीत जाता है। डेयर डेविल MCU में आगे हमें ढेर सारे एक्शन में दिखने वाला है, जिसके लिए पर्सनली मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों, ये था एक लिस्ट मार्वल के उन सुपर हीरोज का जो दुनिया को बचाने के साथ साथ डेली जॉब्स भी करते हैं और अपने घर का ख्याल भी रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।